अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू रेसिपी लाई हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी ईद जो है बिल्कुल करीब है, तो आप लोग जो है इस तरीके का ड्राई जो सेवई है उसको बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से और घर ही के सामानों से फटाफट, और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आप लोग जो है इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आप लोगों को ये वाला सेवई की रेसिपी कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड में, और मेरे चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। तो फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सेवई ले लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है 200 ग्राम का जो पैकेट आता है नॉर्मली मार्केट में, मैं उसी को ले रही हूँ। आप लोगों के पास अगर छुट्टा जो रहता है ना किलो के हिसाब से मिलता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। इससे जो है ना ये लंबा लंबा रहता है तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके का जो है कॉटन की कपड़ा लेना है, इसको सबसे पहले स्टीम कर लेना है। स्टीम के लिए अगर जो है हम लोग डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे ना तो बिल्कुल ये पिघल जाता है और फटाफट जो है हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए जो है आप लोग कपड़े में डालेंगे तो आप लोगों का जो है बहुत ही अच्छा बनता है। तो कपड़े में डाल के इस तरह के आप लोगों को जो है गांठ बांध लेना है, दोनों तरफ से गांठ बांध लेना है ताकि जो है ना अपना गांठे जो खुल ना खुले, इस तरीके का थोड़ा सा इस तरीके का ऊपर पकड़ने के लिए आप लोगों को रखना है। अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है दूसरे चिमटा वगैरह से भी निकाल सकते हैं। तो पानी भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका है, देख ही सकते हैं। इस तरीके का पानी जब बॉयल हो तभी हम लोगों को सेवई की पोटली को इसके अंदर डाल देना है, धीरे धीरे करके प्रेस करते हुए डालना है। इससे जो है ना फटाफट ये सॉफ्ट हो जाता है पानी, गर्म पानी में आने से ही, और तुरंत जो है सेवई हमारा पक जाता है। जस्ट इस 1 से 2 मिनट के अंदर ही सेवई पक के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डुबो रही हूँ, करीबन 1 मिनट तक मैं इसी तरीके का इसको जो है डुबो के बिल्कुल तैयार कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो सेवई है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको जो है अभी पानी में से निकाल लेते हैं और दूसरी प्लेट में इसको रख देती हूँ मैं, और इसके जो है अभी गांठे जो है फटाफट हम लोगों को निकाल लेना है, इसको ज़्यादा देर नहीं करना है, इससे जो है सेवई और भी ज़्यादा पक सकती है। तो इसको अलग से प्लेट में डाल देते हैं और डाल के जो है इसको थोड़ा थोड़ा जो है हमको फैला देना है। तो वीडियो चलते हुए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आज न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके का रेसिपी आप लोगों को मिलती रहेगी। न्यू और बिल्कुल अलग अलग रेसिपी है मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेजर्ट का बहुत सारा रेसिपी है, आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो सेवई जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो है फैला दिया है, इसको साइड में छोड़ देते हैं। अभी दूसरे कढ़ाई में इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद तुरंत इसके अंदर बड़े 1 चम्मच देसी घी इस्तेमाल करना है। देसी घी का रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत ही पहले मैं डाली हुई थी और बिल्कुल परफेक्ट घी बन के तैयार होता है घर पे, और मलाई से ज़्यादा घी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर, अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। और अभी जो है इसके अंदर मैं डाल देना है चीनी। 200 ग्राम सेवई के लिए यहाँ पर मैं 200 ग्राम चीनी का ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और 200 ग्राम जो है पानी का भी इस्तेमाल करना है हमको, अगर चीनी के क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप लोग जो है ना पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है ये गाढ़ा हो जाएगा और एक तार की चाशनी ये फटाफट बनता है। तो पानी जो है 200 ग्राम चीनी के लिए 200 ग्राम ही डालें, इससे जो है ये चिपचिपा नहीं बनता, एक तार दो तार की चाशनी फटाफट नहीं बन जाता है। अब जो है मैं डाल रही हूँ छोटी 2 चम्मच, बिल्कुल छोटी छोटी 2 चम्मच मैं इलायची पाउडर यहाँ पर डाल रही हूँ। ये जो है होममेड इलायची पाउडर मैंने बनाई हुई है, इससे जो है खुशबू मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन होता है। और छोटी 1 चम्मच यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर में डाल रही हूँ, इससे जो है कलर बहुत ही खूबसूरत आता है और बच्चे लोगों को खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए जो है कलर हमको डालना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोग केसर डालना चाहते हैं तो ज़रूर केसर भी डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से इसको इस तरह से जो है इसको बॉयल करते हुए हमको पकाना है, इससे जो है ज़्यादा चिपचिपा जब तक ना बने तब तक हमको पकाते रहना है इसको। और अब देख सकते हैं बिल्कुल एक तार जैसा चाशनी होना स्टार्ट हो चुका है, बस इतना ही हमको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार की चाशनी इसमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर जो है सेवई बना जब तैयार हो जाएगा ना तो थोड़ा कड़क हो जाएगा, तो हमको एक तार होने से पहले ही इस तरीके का जब ज़्यादा बबल्स आना स्टार्ट हो ना तब समझना हमारा
चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप लोग जो है दूसरा ड्राई फ्रूट्स अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग वो भी इसके अंदर जो है डाल सकते हैं इसको फैल, क्योंकि दूसरे ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कच्चापन लगता है, तो उसको फ्राई करके ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। तो हमारा चाशनी में अब जो सेवई हमने बॉयल करके रखा था स्टीम करके, उसको पूरा हमको इसके अंदर डाल देना है, और डाल के जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है, क्योंकि गर्म था ना तभी रखने की वजह से थोड़ा थोड़ा घाटे बन जाते हैं इसके अंदर। चाशनी के अंदर अच्छी तरह से जो है हम लोग मिक्स करेंगे तो फिर ये बिल्कुल खुला खुला बन के और एक एक सेवई बिल्कुल रेशे अलग हो जाते हैं इसके। तो इसको जो है अच्छी तरह से हमको मिक्स कर देना है ताकि जो है इसके रेशे अलग हो जाए और ये अच्छी तरह से चाशनी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो देख सकते हैं मैं इसको कट लगाते हुए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और हमारा सेवई जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो अभी जो है इसको जल्दी से जल्दी गर्मा गर्म इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये वाला रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड में इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ईद जो है बहुत ही करीब है। आप लोगों को अगर इस तरीके का बिल्कुल खुला खुला सेवई बनाना नहीं आता है तो मेरे स्टेप को फॉलो करके बनाइए। और मेरे चैनल पे और भी डेजर्ट की है, शीरकुरमा की भी रेसिपी है, आप लोग चेकआउट करिए मेरे प्लेलिस्ट। थैंक्स फॉर